Hey guys, welcome to MotorOctane. हम आए हैं to cover the Renault Triber का unveil और आपको मिलेगा हमसे सबसे डिटेल वीडियो ऑन दिस कार. इससे पहले कि मैं आगे जाऊं गाड़ी के बारे में कुछ आपको डिटेल्स दूं, लेट मी टेल यू सम सिंपल फैक्ट्स अबाउट दिस कार. ये गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से छोटी है, यानी कि इसकी लेंथ अगर आप कंपेयर करें गाड़ियों से तो वो इको स्पोर्ट ब्रेजा जितनी है, पर ये एक SUV नहीं है, दिस इज़ मोर ऑफ एन MPV. तो इसमें 7 सीट्स का ऑप्शन आएगा रादर देन यू नो आपको लगेगा कि ये डैटसन गो गो प्लस टाइप की गाड़ी है, पर ये गो प्लस नहीं है, उससे काफ़ी बड़ी इन टर्म्स ऑफ स्पेस. तो अगर हम शुरू करते हैं विद द फर्स्ट थिंग, इट्स द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस व्हीकल. ये 182 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है एंड इट गेट्स 15-inch व्हील्स, 185/65 R15 व्हील्स मिलते हैं इसको. और फर्स्ट थिंग, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट ऑफ द कार, जो है इसका ओवरऑल लुक. यहाँ से अगर आप इसको देखते हैं तो ये काफ़ी हद तक क्विड जैसा डिज़ाइन है. तो इसके हेडलैम्प्स देखेंगे तो ये प्रोजेक्टर लाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक नॉर्मल बल्ब है हैलोजन का, और ये रहा आपका इंडिकेटर. यहाँ फॉग लैम्प आपको नहीं दिया हुआ है. एट द सेम टाइम आप अगर ये पार्ट देखेंगे तो इसका जो फ्रंट ग्रिल है दैट्स समवॉट डिराइव फ्रॉम द रेनो कैप्चर. नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट की तरह फिनिश दिया हुआ है, बट इट्स सिल्वर इन कलर, जो इसे डिस्टिंक्टिव बना देता है. ओवरऑल फ्रंट इसका काफ़ी हद तक रेनो का जो फैमिली लुक है वैसा ही दिया हुआ है. अब अगर मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखा दूँ ऑफ दिस व्हीकल, सो इट्स डेफिनेटली टॉल. देख लीजिए, मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है एंड इट्स नॉट लाइक रियली शॉर्ट. आपको यहाँ पे ब्लैक पिलर्स दिए हुए हैं, और जो वेरियंट है ये RXZ वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड इंसर्ट इसमें. और एक जो क्विड का इंसर्ट दिया हुआ है इज दिस, एंड एन इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है इसको. 15-inch जो व्हील है, ये वाला जो व्हील है ना, इज बेसिकली एन एक्सेसरी, और जो रेगुलर व्हील आता है दैट्स डिफरेंट, पर वो भी 15-inch का ही आता है ऑन दिस व्हीकल. ओवरऑल 1-2 रोज है यहाँ पे, और थर्ड रो एक्सेस करना है तो यहीं से करना पड़ेगा, पर फिलहाल थर्ड रो सीट्स नहीं है इसमें. बैक दिखा देता हूँ आपको, ट्रिबर लिखा हुआ है, ट्राइबर यहाँ पे, और देख लीजिए क्लियरली एक क्रोम पट्टी दी हुई है. यहाँ पे एनर्जी भी लिखा हुआ है और रेनो लिखा हुआ है दूसरे साइड. इसके टेल लैम्प्स देखेंगे आप तो इट लुक्स प्रीटी नीट, एकदम ईगल की तरह इसको शेप दिया हुआ है एंड इट्स नाइस. यहाँ पे बल्ब है, LED नहीं है आपको कहीं पे भी. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट थिंग विद द बूट इट्सेल्फ. तो इसकी बूट जो है काफ़ी बड़ी है इन साइज, 625 लीटर का बूट है, जो सबसे बड़ा हो जाएगा इस सेगमेंट में अगर थर्ड रो सीट्स नहीं है. और यहाँ पे थर्ड रो सीट्स भी बैठती हैं, फिलहाल थर्ड रो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है, दैट कैन बी एन एडिशन, पर मुझे लग रहा था कि शायद ना बैठ पाए थर्ड रो में. पर यहाँ पे ना एक खड्डा दिया हुआ है, यहाँ क्लोज आके देखेंगे ना आप तो यहाँ इंटीरियर में इधर स्पेस है, तो आप अपना पैर रख सकते हैं, और वो फ्रंट सीट्स हम एडजस्ट करके दिखाएंगे आपको कितनी जगह बचती है एट द बैक. तो अगर मैं थर्ड रो की सीट्स उठा देता हूँ तब आपके पास सिर्फ 84 लीटर्स की बूट स्पेस बचेगी, यानी कि आपके पास लगभग इतनी स्पेस बचेगी गाड़ी के अंदर. और ये देख लेते हैं, यहाँ पे वाइपर दिया हुआ है आपको, आपको डीफॉगर दिया हुआ है, और स्पॉइलर नहीं है यहाँ पे. पहले चलते हैं टू द सेकेंड रो इन द कार, और तो जगह गाड़ी में काफ़ी अच्छी है, सीट स्लाइड होती है आगे, तो यानी कि पीछे के पैसेंजर को जगह बन जाएगी, और यहाँ पे फिर भी डिसेंट इनफ. देखिए इतनी स्पेस बाकी है, अगर मैं इसको फुल पीछे लेता हूँ तो मेरे पास इतनी जगह है, विच इज़ गुड इनफ. हेडरूम की कमी नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, देख लीजिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है इसको, और साथ में आपको AC वेंट्स दिए हुए यहाँ साइड में, ये साइड में दिया हुआ है AC वेंट्स इसको, आपको फ्रंट में AC वेंट्स नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कहीं पे AC वेंट्स नहीं है, और आपको साथ में AC का नॉब भी दिया हुआ है, मैं आगे दिखाता हूँ कैसे दिया हुआ है. यहाँ पे 3 लोगों का बैठना थोड़ा टाइट हो सकता है, देखिए 1, 2, 3 तो थोड़ा टाइट हो सकता है 3 लोगों का बैठना, बट इट्स नॉट लाइक वेरी अनकम्फर्टेबल, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका फ्लोर जो है ना एकदम फ्लैट है. यहाँ पे आके देख लीजिए आप, इसका फ्लोर एकदम फ्लैट दिया हुआ है, जिसकी वजह से 3 लोग बैठ पाएंगे. और ये देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है इसको. इसके अलावा 2 हेडरेस्ट हैं इस गाड़ी को पीछे की सीट पे, 3 नहीं मिलते हैं फॉर बैक, और आपको लाइट भी मिलती है गाड़ी के अंदर जो यूजेबल है प्रिटी मच. अब मैं फ्रंट सीट पे चलता हूँ, आई विल शो यू द ड्राइवर सीट एंड आई विल इवन शो यू द स्पेस एज वेल. आ जाइए,
देखिए अभी इसका जो फ्रंट रो सीट्स है स्पेस अच्छी है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, इसका हेडरेस्ट जो है ना फिक्स्ड आता है विच कुड हैव बीन एडजस्टेबल ऑल्सो, बट ठीक है प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वालिटी है मटेरियल्स की वो अच्छी है, फिट फिनिश काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश दिया हुआ है जो इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग बना देता है। आपको ग्लव बॉक्स देख लीजिए, ये एक और ये दूसरा, और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेसेस दी हुई है विच इज़ प्रीटी गुड इनफ इन इट्सेल्फ। और यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल रहा है, देख लीजिए इसको, यहाँ पे एसी कंट्रोल्स है, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल एसी है। आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जो ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर्स है, यानी कि 7.5 इंच का इसका टच स्क्रीन सिस्टम है। क्वालिटी लुक्स डिसेंट टू मी। और अगर मैं इसको रिवर्स में डाल के देखूँ तो फिलहाल रिवर्स कैमरा यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो इस वजह से आई कैनॉट टेल यू हाउ गुड इज़ द टच स्क्रीन। पर ओवरऑल जो फिट फिनिश है, स्टीयरिंग व्हील देख लीजिए, इसमें आपको कंट्रोल्स कहीं नहीं मिल रहे हैं, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दैट ऑल्सो लुक्स प्रीटी नीट इनफ टू मी। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। देखिए ये साइड आपको एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे, और ये आपका ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। और स्टीयरिंग व्हील देख लीजिए, इस पर कुछ भी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली क्लीन। एंड या यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस है, आपको यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस दी हुई है जो बहुत स्मार्ट है मेरे हिसाब से, ये देख लीजिए। और जो आपका एसी नॉब है पीछे के पैसेंजर्स के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1, 2, 3 आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो स्ट्रेट अवे। तो अगर आप आगे बैठे तो भी कर सकते हो, पीछे बैठे हो तो भी आप कर सकते हो, दोनों में दिक्कत नहीं होगी अगर आप दोनों में से कोई भी यूज़ करें। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की, तो इसमें आपको आता है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 72 BHP के आसपास बनाता है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ, इट्स अबाउट 72 BHP, 96 Nm टॉर्क, 5-speed मैनुअल है और 5-speed AMT भी दिया हुआ है इसको। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको सेम क्विड वाला इंजन ही मिल रहा है विथ अ लिटिल बिट मोर पावर। एट द सेम टाइम इसमें आपको मैनुअल एंड AMT दोनों मिलता है, डीजल इस गाड़ी में नहीं आएगा। अगर आप मुझसे पूछो इस गाड़ी की कीमत क्या है, सो इट शुड बी समवेयर इन द प्राइस रेंज ऑफ 5 to 9 lakhs अप्रॉक्सीमेटली, पर इसके अंदर ही कहीं रहेगी मेरे ख्याल से, 8 तक इसका टॉप एंड आ जाना चाहिए ऑन रोड। बिफोर आई एंड द सेशन लेट मी टेल यू टू मोर थिंग्स, इसमें आपको एयरबैग्स मिलेंगे, 2 एयरबैग्स आ रहे हैं टॉप एंड मॉडल में, लोअर वेरिएंट्स का मुझे आइडिया नहीं है, पर एटलीस्ट एक एयरबैग आएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आएंगे, एंड एट द सेम टाइम आपको इसमें मिलेगा स्पीड वार्निंग एंड सीट बेल्ट वार्निंग एज वेल। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इसे तुरंत ही लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। हमने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया एंड दिस वीडियो इज वेरी डिटेल्ड ऑल्सो। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो, कल मिलेगा किया का वीडियो, सो सी यू, टेक केयर।